टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। आज की 4 बड़ी खबरों में शामिल है पीएम मोदी का दौरा, सीएम योगी का दौरा, साथ ही आनंदीबेन पटेल कहां पे दौरे पर रहेंगी और साथ ही अखिलेश यादव झांसी के दौरे पर रहे हैं। तो इन चारों खबरों पर रुक करेंगे। सबसे पहले खबर पे रुक करते हैं। बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर में बहराइच रोड पर हंसवाडोल गांव के पास आएंगे और सरयू परियोजना देश को समर्पित करके बटन दबाकर श्रावस्ती में नदी का गेट खोलेंगे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देश में किया जाएगा। आगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में बात करते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि अब किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और ये परियोजना जिले के लिए वरदान साबित होगी। तो सीधे तौर पर बताया है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जिले के लिए, देश के लिए एक वरदान साबित होगी। ये काफी परिवर्तन लेकर आएगी, क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी किसानों के लिए। तो आपको बता दें कि बलरामपुर पीएम मोदी जाने वाले हैं, उससे पहले ही जल शक्ति मंत्री पहुंचे और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता बलरामपुर से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? तो प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और तमाम चीजों, जो भी शिलान्यास होने हैं, लोकार्पण होने हैं और जितने भी कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसको देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसी का निरीक्षण करने खुद डॉक्टर महेंद्र सिंह यानी जल शक्ति मंत्री पहुंचे और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी और उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को बलरामपुर में बहराइच रोड पर हंसुवा डोल गांव के पास और सरयू परियोजना देश को समर्पित करेंगे, बटन दबाकर श्रावस्ती में नदी का गेट खोलेंगे प्रधानमंत्री और इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर करीब प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री कई उपलब्धियों को गिना सकते हैं, अपनी उपलब्धियों को बताते हुए वो राष्ट्र को ये सौगात देंगे। आपको बता दें कि लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में बात करते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया है कि किसानों के जीवन में ये क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा किसानों के जीवन में, क्योंकि जो फसल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जल, और जल की जब आपूर्ति होगी तो इसे क्रांतिकारी परिवर्तन बताया जा रहा है। हमारे साथ बलरामपुर से संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले रहे हैं तो क्या कुछ जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को बलरामपुर जनपद वसराबस्ती के बीच में हंसुवा डोल गांव के पास आ रहे हैं, जहां पर सरयू नहर परियोजना की जो लागत है 9,802 करोड़ रुपए लागत है, जो सरयू नहर परियोजना है उसका लोकार्पण करेंगे, जहां करीब 9 जिलों के किसानों जो है, किसान है, उसको इसका लाभ मिलेगा। और बात की जाए यहां सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई प्रकार की एजेंसियां आना शुरू हो गई है यहां पर, और यहां पर जो जिले के जिले में साफ सफाई अभी से ही चालू हो गया है, हर जगह पर रोड की व्यवस्था जो सही जो खराब थे, गंदे थे, उनको सही किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो भी, जैसे एम्बुलेंस की बात हुई या जो कोविड हेल्प डेस्क की बनाने के लिए बात की गई, और जहाँ पे आएंगे वहाँ पे साइकिल जो वाहन जो है खड़ा करने के लिए पार्किंग बनाया जा रहा है, तो तमाम चीजें जो वहाँ पर है व्यवस्था अभी से ही तैयारियां करने लगे हैं अधिकारी। इससे पहले कल यहाँ पर आए हुए थे जल शक्ति के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आए हुए थे, जहाँ अपने जनपद के अधिकारियों के साथ व मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की है, बैठक में जहाँ उन लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं कि क्या करना है। जी अमित, पीएम के आगमन से जुड़ी क्या कुछ जानकारी, कितने बजे पहुंचेंगे? अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है, बस ये जो जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह मंत्री थे उन्होंने ये जानकारी दी कि 11 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो सरयू नहर परियोजना का है उसका लोकार्पण 11 दिसंबर को करेंगे, यहाँ पे जो बलरामपुर और श्रावस्ती के बीच हंसुवा डोल गांव पे करेंगे, बटन माध्यम करेंगे।
जी अमित, सरयू परियोजना से देश खासकर जिले को कितना लाभ होगा? जिस तरह से जल शक्ति मंत्री ने इसे क्रांतिकारी परिवर्तन बताया है किसानों के लिए, तो किस तरह से लाभ पहुंचेगा किसानों को? जी बिल्कुल साफ तौर है कि ये जो किसान जो इससे लाभान्वित होंगे, करीब 9 जिलों के किसान, करीब 25 लाख किसानों को यहाँ का लाभ मिलेगा। जो शरावती, गोडा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और अमित, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे जनता को संबोधित भी करेंगे, तो अपने संबोधन में किन किन चीजों को बता सकते हैं, कौन कौन सी उपलब्धि बता सकते हैं प्रधानमंत्री? तो 11 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करीब 2 लाख जनता की आने की संभावना है और तमाम जो योजनाएं है उनके बारे में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़े थे बलरामपुर से। तो जनता को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ी जनसभा के एकत्र होने की बात भी सामने आ रही है। जब प्रधानमंत्री खुद बलरामपुर में मौजूद होंगे तो बड़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। वहीं अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सिद्धार्थनगर पहुंची, जहां वो 3 दिनों तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इस दौरान राज्यपाल नेपाल भी जाएंगी और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। तो जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल सिद्धार्थनगर जा रही हैं और उनके जितने भी कार्यक्रम हैं उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। शासन प्रशासन अलर्ट है क्योंकि राज्यपाल खुद वहां पहुंच रही है, सिद्धार्थनगर पहुंचेंगी और 3 दिनों तक कार्यक्रम वहां पे है सिद्धार्थनगर में, जहां पे वो शिरकत करेंगी। इस दौरान राज्यपाल नेपाल भी जाएंगी, इस बात की जानकारी भी मिल रही है, और सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। यानी कि जो मुख्य उद्देश्य है राज्यपाल के सिद्धार्थनगर जाने का, वो ये है कि सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, 3 दिन के दौरे पर रहेंगी, सभी चीजों का जायजा लेंगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। जब कोई भी मुख्यमंत्री या राज्यपाल आता है तो ऐसी स्थिति में प्रशासन अलर्ट हो जाता है, बारीकी से हर चीज पर नजर रखी जाती है। इसी को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है, हर चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। सिद्धार्थनगर से यह खबर सामने आ रही है, 3 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल जा रही सिद्धार्थनगर, जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जितने भी कार्यक्रम है उसको इस लेकर पूरी जानकारी एकत्र कर ली गई है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी, दीक्षांत समारोह है जिसमें शामिल होने वो जा रही है, और ये भी खबर सामने आ रही है कि वो नेपाल भी जा सकती है। तो सिद्धार्थनगर जो कि काफी प्रसिद्ध है अपने आप में अपने इतिहास को लेकर, और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह जो कि भव्य होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जा रही हैं। तो जब शिक्षकों के बीच मौजूद होंगी तो काफी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, जो छात्र होंगे वो काफी उत्साहित भी है इसको लेकर कि खुद राज्यपाल उनके बीच मौजूद रहने वाली है, और एक अच्छा हम कह सकते हैं कि एक अच्छा संदेश भी देंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है राज्यपाल के आने से। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से हर चीज का निरीक्षण किया जा रहा है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 दिन के दौरे पर रहेंगी, और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि पांडे जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। रवि, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल है? जी, सिद्धार्थनगर में दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल का आगमन हुआ, जो 3 दिन तक यहाँ जिले में रहेंगी, और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और पुलिस की जहां सतर्कता है वहीं पर अन्य सभी प्रकार की जो तैयारियां होनी चाहिए वो पूर्ण है, और 3 दिवसीय जो इनका कार्यक्रम है वो आज 10 बजे यहां सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हेलीपैड पर पहुंचती हैं, उसके बाद 10:15 बजे से वो लुम्बिनी के लिए बाई कार निकलती हैं, और 5 बजे इनका पुनः वापसी फिर विश्वविद्यालय पर है। जी, राज्यपाल नेपाल भी जाएंगी ऐसी भी खबर मिल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आज ही वो गई हैं, जहां गौतम बुद्ध का जन्म स्थली है वहां पर वो गई हैं, और
10:15 वो हेलीपैड से उतर करके बाई कार लुम्बिनी के लिए ही निकल गई हैं। वहां से वो 5:00 फिर सिद्धार्थनगर जिले में वापस होंगी। जी, तो नेपाल में किस कार्यक्रम के चलते राज्यपाल गई हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, लुम्बिनी कुल मिला करके जो हमारा ये सिद्धार्थनगर जिला है, ये गौतम बुद्ध का पूरा मतलब जन्मस्थली है और उससे जुड़ा लुम्बिनी है। फिर देखा जाए भारत और नेपाल का जो एक अपना संबंध है, वो संबंध मित्रता का रहा है। ऐसे में राज्यपाल जी का वहां जाना अपने आप में दो देशों की मित्रता का भी एक मतलब पहल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता रवि जुड़े थे सिद्धार्थनगर से। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल हैं और वो नेपाल भी गई हैं, जहां से लौटकर फिर वो सिद्धार्थनगर आएंगे और अपने अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगी। तो जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, 3 दिन का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि नेपाल गई हैं और नेपाल के दौरे पर भी गई हैं वो और वहां से लौट के एक बार फिर वो सिद्धार्थनगर आएंगी और सिद्धार्थनगर में फिर से अपने कार्यक्रमों में शामिल होंगी। रुक करते अपनी अगली खबर की तरफ। विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे अखिलेश और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बताते हैं कि बीजेपी ने बुंदेलखंड का विकास किया है, इन सभी बातों को उन्होंने नकारा है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी में हैं। विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया है, यहाँ के लोग बहुत परेशान है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों का परिवार नहीं है वो किसी के परिवार का दर्द क्या समझेंगे। तो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है योगी मोदी, दोनों पर ही निशाना साधते हुए नजर आया अखिलेश यादव। उन्होंने अपनी रैली के दौरान कई बातें कही और बीजेपी ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं कहा है, इस बात को लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं अखिलेश। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों का परिवार ही नहीं है वो किसी के परिवार का दर्द क्या समझेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता आलोक जुड़ चुके हैं झांसी से। आलोक, हम ये जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर अखिलेश ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस समय अभी आज ही जनता का कार्यक्रम था, इन्होंने बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर सीधे सरकार का सजी कसे हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि पिछली बार बुंदेलखंड ने जो है बीजेपी को खुले दरवाजे रखे थे और जिसके हिसाब से बीजेपी ने काम नहीं किए थे और अब ये स्थिति आ चुकी है बीजेपी ने उस हिसाब से काम नहीं किए हैं, तो अब सपा के लिए खुले खुले दौर है और बीजेपी के लिए दौर बंद कर दिए। जी, जनसभा में कितने कार्यकर्ताओं के एकत्र होने का अनुमान है आलोक? जनसभा में लगातार कहा जाए तो एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां देखा जाए कि समाजवादी सुप्रीमो जो है कल 3:30 ही आ चुके थे, उसके बाद उन्होंने शाम को एक होटल में उनका रुकने का व्यवस्था हुई, उसके बाद सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद से उनका पहला जो था वो यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर उनका रथ जो विजय यात्रा थी, विजय यात्रा के साथ जो सैलाब उमड़ा, तो लगभग झांसी के सभी जो यादव दल थे और बाकी समाजवादी पार्टी जितने भी लोग थे भारी संख्या में यहाँ पे दिखाई दिए। आमतौर पर कहा जाए तो लगभग पूरा चक्का जाम हो रखा था। उसके बाद इनका जो कार्यक्रम उसके बाद बड़ा गाँव से निकले, बड़ा गाँव में लगभग यही स्थिति, और मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पर जो मंच लगा हुआ था यहाँ पर ये पूरा उठ रहा है। झांसी से आगे कहां जाने वाली है? ये झांसी के बाद बड़ागांव के लिए निकली, बड़ागांव में इन्होंने संबोधन किया, बड़ागांव के जितने भी सपा प्रत्याशी और जो कार्यकर्ता थे उन लोगों का सैलाब वहां उमड़ा। उसके बाद ये चिरगांव के लिए निकल गई है, चिरगांव में अभी ये संबोधन स्टार्ट चल रहा है इनका, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी का। उसके बाद ये मोड के लिए 3:00 प्रस्थान करेगी टीकाराम कॉलेज में। जी आलोक, जिस तरह से अखिलेश की झांसी में रैली थी तो इसके लिए कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ तैयारियां की थी? कार्यकर्ताओं ने, आप देख सकते हैं मेरे पीछे देखें या मेरे दाएं या मेरे बाएं देखें, लगातार पूरा आज झांसी जो है पूरा सपा मई हो रखा है, पूरे में बीजेपी
जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी जब आए हुए थे उसके अपेक्षा में अगर हम बात की जाए तो उससे काफी बड़ी संख्या में होर्डिंगों लगाई गई। अगर आज ये कहना गलत नहीं होगा कि आज झांसी जो है सपामयी हो गई है। जी तो किस तरह का देखने को मिल रहा है जनता का रुख, क्या वो भाजपा की तरफ जा रही है या फिर सपा की तरफ जा रही है, भीड़ क्या बताती है जो आज एकत्र हुई? अगर 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 आज की बात की जाए तो देखिए दो पहलू हैं। पहली बात तो ये होगी कि जो प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने एक ऑफिशियल तरीके से वो मिले, उनके कार्यकर्ता भी उन तक नहीं पहुंच पाए। और सपा की अगर हम बात करें तो सपा ने सीधे लोगों तक जाकर अपनी बात को रखा है, लोगों के बीच रोड पर आ गए हैं। तो जहां तक देखा जाए तो उनका सैलाब जो है बीजेपी से काफी बड़ा नजर आया। तो इससे अगर अंदाजा लगाना ज्यादा आसान होगा कि समाजवादी पार्टी की लगातार स्थिति काफी सकारात्मक नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आलोक जुड़े थे झांसी से। चंदौली में आगामी 5 दिसंबर को सीएम योगी के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है, जिसको लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल ने संत कीनाराम मठ का दौरा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिया है। इसके पहले योगी 2019 में अघोराचार्य संत कीनाराम मठ गए थे, उन्होंने मठ के लिए 225 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। और अब एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ जब आ रहे हैं चंदौली तो शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जो व्यवस्था है उसमें अलर्ट कर दिया गया है। जब मुख्यमंत्री का दौरा है उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं चंदौली से। अजीत, मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मुख्यमंत्री मतलब यहाँ पर 5 तारीख को इनका दौरा है यहाँ पर बाबा कीनाराम की यहाँ, बट उसके बाद वहां पर आएंगे और कुछ सौगातें देंगे। 225 करोड़ का वहां पर सौगात देंगे वहां पर, फिर बट उसके बाद ही कुछ समय इनका आगमन होगा। सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगभग 11 बजे वहां पर आएंगे और यहां पर कुछ संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद वहां से चले जाएंगे। जी, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? मुख्यमंत्री दौरे पर रहेंगे तो क्या कुछ इंतजाम किए गए? प्रशासन किस मोड में नजर आ रहा है? प्रशासन अपना एसपी जेई आईजी सब अपना वहां पर प्रशासन हाई अलर्ट है और हर चीज चेकिंग दुरुस्त व्यवस्था हो रहा है और सकलडिया पूरा चेकिंग हो रहा है। चंदौली से सकलडिया तक पूरी चेकिंग की व्यवस्था हो रही है और सैनिटाइजर जहां पर इनका होने वाला कार्यक्रम वहां पर सैनिटाइजर का पूरा व्यवस्था किया जा रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट है। जी, सीएम के आगमन और प्रस्थान से संबंधित क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभी अभी तो कोई अपडेट नहीं है, बट उसके बाद कुछ ही 5 तारीख को अपडेट हमको प्राप्त होगा। जी अजीत, जिस तरह से सीएम का दौरा है और एक तरफ कोरोना का कहर फिर से देखने को मिल रहा है तो सुरक्षा के इंतजाम क्या कुछ है? क्या एक बार फिर बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा? सुरक्षा के इंतजाम क्या है? जनसभा का आयोजन किएगा लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जनसभा का संबोधित किया जाएगा कार्यक्रम और सब जो भी कार्यक्रम में शामिल होगा उनको सैनिटाइजिंग पूरा होगा उसका, बट उसके बाद मास्क का भी उसमें पूरा प्रयोग और बड़ा शासन प्रशासन शासन प्रशासन बहुत हाई अलर्ट वहां पर रहेंगे। तो जनसभा में कितने लोगों के एकत्र होने की संभावना है? अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रहा है, लगभग मतलब कि मान लीजिए उसमें कम से कम 2 या 3 हजार से ऊपर आदमी रहेंगे बताया जा रहा है लगभग। जी, संबोधन के दौरान किन बातों को उठा सकते हैं मुख्यमंत्री? संबोधन के द्वारा इन बातों को ध्यान से सन 2019 में वहां पर आए थे और कुछ सौगात देने का वादा रखे थे, बट उसी सौगात को लेते हुए आज बाबा कीनाराम के सन 5 तारीख को आएंगे और सौगात 225 करोड़ का सौगात देंगे, वही बात को आ रहे हैं और वही संबोधित करेंगे, कुछ 22 का चुनाव को लेकर भी कुछ वो चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े थे चंदौली से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।